सरकार गिराने की हिम्मत ही ना हो। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि आप लगातार अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंगला का लोहा है, जहां भी सरकार उनकी रहती है वो वहां मिटा देती है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। दिव्य जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापम घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? अंदर 100% 100% जो राम और जो और जो और जो व्यापम के घोटाले में बहुत सारे प्रकरण अभी भी पेंडिंग है, उनके चार्जशीट नहीं हुई है, उसके अंदर भी हम लोग सूक्ष्म जांच कराएंगे। सरकार गिराने की हिम्मत ही ना हो। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। लगातार आप शिवराज जी को और महाराज दोनों को घेर रहे थे, ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि आप लगातार अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जंगला का लोहा है, जहां भी सरकार उनकी रहती है वो वहां मिटा देती है। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। दिव्य जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापम घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? अंदर 100% 100% जो राम और जो और जो और जो व्यापम के घोटाले में बहुत सारे प्रकरण अभी भी पेंडिंग है, उनके चार्जशीट नहीं हुई है, उसके अंदर भी हम लोग सूक्ष्म जांच कराएंगे।